आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हर रोज की तरह मैं आपके साथ फिर से हाजिर हो गया हूँ। आज बात करेंगे 6 अगस्त 2019 की। दोस्तों, एक जानकारी आपको देनी थी कि हो सकता है कुछ दिनों के लिए डेली का राशिफल मैं ना बना पाऊँ और कुछ जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलें, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और उस समय मैं फिर आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मेरे साथ। हालांकि जितने रिकॉर्डेड हो चुके हैं वीडियोस मैं आपको अपलोड करके देता रहूँगा और जितने दिन तक ये चलेगा वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊँगा कंटिन्यू करूँगा आपके साथ डेली राशिफल। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से लेकर 12:54 तक और राहु काल 3:45 से लेकर 5:25 तक। देखिए, वीडियो को देखिएगा अंत तक और लाइक शेयर करने में किसी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा। मेष राशि, देखिए एक अपने ऊपर खर्चा करना अच्छी बात होती है, लेकिन फिजूल खर्चा करना अच्छी नहीं होती। इसको नियंत्रण में रखिए, नहीं तो दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं। किसी को कीमती उपहार देने के लिए अगर आपको उधार लेना पड़े तो वो बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। अपनी चादर के अनुसार ही अपने पैर को फंसाइए, बल्कि फैलाइए, फंसाइए नहीं, फैलाइए तो बेहतर रहेगा। संबंधों में गलतफहमी है तो बात इसी बात की है कि भाई जाकर बैठो, बात करो, और अगर रिश्तों में कहीं दिक्कत है और कहीं लगता है कि आपकी गलती है या उनकी गलती है तो बिल्कुल बैठ कर ही ये चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती हैं, और सुलझाने के लिए बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप सोशल नेटवर्किंग्स में काम करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहाँ सोशल नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा होती है, तो आपके लिए दिन काफ़ी अच्छा है। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। अपने विचारों को रखिए खोल कर, उससे फ़ायदा होगा आपको। अगर आप अपने अंदर ही घुटते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। वृषभ राशि, देखिए ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, खासतौर से ऐसे रिलेटिव्स जो घर में आकर कंपेयरिंग करते हैं। बहुत सारे घर में, हर घर में एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो अपने बच्चों से अपने दूसरों के बच्चों को कंपेयर करता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा अपने दिमाग में ना चढ़ाइए, उनकी बातों को ज़्यादा दिल से ना लगाइए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखिए अपने आप से और कोशिश कीजिए कि आप अपने तरीके से काम जो है करते रहें और सावधान रहें ऐसे लोगों से। आपके लिए दिन काफ़ी अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कल काफ़ी हद तक एक अच्छी सेमिनार का यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है और दूसरों के संबंध आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कल दस्तक दे सकती हैं, इसलिए अपने आप को बिल्कुल सजग रखें और बहुत अच्छा रखें। नौकरी में कुछ बदलाव के संकेत हैं और ये संकेत जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वाई नॉट, आप उसको दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए और आगे बढ़ जाइए। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने जो अपनी स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई कर रखे हैं और इनको प्रयास करने के लिए आप वचनबद्ध भी हैं। मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर धीरे रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ें तो बेहतर आपके लिए रिजल्ट रहेगा। अब समय आ गया है कि एक कदम पीछे हटकर अपने संबंधों को थोड़ा सा तर्क की कसौटी पर चेक करें। अगर आपकी कसौटी पर वो संबंध अच्छे होते हैं तभी उनको लें, लेकिन अगर वो आपकी विपदा के समय में, यानी कि ख़राब समय में अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है ऐसा रिलेशन से, फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। साथ साथ शो ऑफ के रिश्तों से थोड़ा सा बचकर रहें तो बेहतर रहेगा। अभी थोड़ा सा इतने ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं हैं, थोड़ा सा अनिश्चितता है कि होगा या नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अभी समय दीजिए अपने आप को और बड़ा डिसीजन लेने से अगर आप थोड़ा सा बच जाएँ तो मैं कहूँगा कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर जो है रिजल्ट जो है वो आते हुए आपको दिखाई देंगे। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, बड़ी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी सावधानी से काम करें तो बेहतर आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि वालों, मौज मस्ती के नाम रहेगा दिन और कहीं ना कहीं सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फ़ोन या मेल या व्हाट्सएप के थ्रू बात हो सकती है। शारीरिक रूप से भी दिन काफ़ी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शक्ति यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज सामाजिक कार्यों में आप अपना इंक्लूजन बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं बहुत इंजॉय करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल की ज़िंदगी बहुत फंसी हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप अपने होठों पर मुस्कान लिए सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि कहूँगा अच्छी बात है। जहाँ तक आपकी रोमांस की लाइफ है वो बहुत बढ़िया होती हुई कल दिखाई देती है, ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं दिखाई देती। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं।
आपके अंदर बहुत अच्छी मोटिवेशन कल दिखाई दे रही है और ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं और नए नए नीतियों पर काम कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा है और अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कतें हो सकती है। देखिए दिन बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये दिन कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा हेडेक भी बन सकता है। तो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं तो बेहतर रहेगा। आपके साथी और आपके बीच में काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। प्राइवेट मोमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर आपके कुछ पेंडिंग काम पड़े हैं तो कल मैं कहूँगा कि अपने इन पेंडिंग काम्स को निपटा लें तो बेहतर रहेगा। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भविष्य को ध्यान में रख के कुछ नई प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं बार बार और आपको बेवजह सलाह देते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए सलाह लेना अच्छा होता है लेकिन ओवर सलाह लेना, ओवर एडवाइस लेना कई बार एक एग्जीक्यूशन पावर को कम कर देता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अपनी गलतफहमियों में उलझ कर ना रहे, सीधे तरीके से देखें और रिश्तों में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा सा उसको क्योर करने की कोशिश करें। अपनी जो पेंडिंग काम है उसको निपटा लें और पूरा समय आपको मिल जाएगा कल जब आप इन सब के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दिन अच्छा है आपके लिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो आज कुछ उलझे हुए से दिखाई दे रहे हो और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी भी दिखा रहे हो, लेकिन प्रतीक्षा कर लें, कोई भी काम कठिन नहीं होता अगर आप एक बार ठान लें तो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत इस बात को है कि जल्दबाजी में कोई कोई गलती ना हो जाए, तो बारीकी से देखो चीज़ों को फिर आगे बढ़ जाओ। देखिए प्यार की तलाश आपकी अभी पूरी नहीं हुई है और कोई खास दोस्त ऐसा है बीच में जिसपे आपका आकर्षण बढ़ता जा रहा है, तो अगर ऐसा है तो अपनी कसौटी पर उसे देख लो, समझ लो, जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, ये बात मैं आपसे कह देता हूँ। देखिए एक ग्रहों की स्थिति से आपके अंदर एक नई पॉजिटिवनेस तो है लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी उतनी नहीं हो रही, तो एग्जीक्यूशन पावर प्रैक्टिकल तरीके से बनाने की ज़रूरत है, स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है और धार्मिक गतिविधियों में आप शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तीर्थ यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आपकी स्वास्थ्य संबंधित आदतें सुधारनी होंगी नहीं तो सेहत आपकी खराब हो सकती है। आज का दिन पारिवारिक कार्यकलापों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम का समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं कुछ बड़ी पार्टीज में भी आप जाते हुए दिखाई देते हैं। आज आप कुछ शॉपिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं मन आपका बहुत ही बढ़िया होता हुआ दिखाई देता है। धनुराशि, अब समय आ गया है कि आप चीज़ों को गंभीरता से लें और अपने किसी भी चीज़ को जल्दबाजी ना करें, अपने बारे में सोचें और उसके बाद ही किसी तरीके का निर्णय लें। आजकल खाने पर आपको बहुत देने की ध्यान देने की ज़रूरत होगी क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पार्टनर के साथ कुछ सेटलमेंट करिए, कहीं पर एक अहंकार की जो भावना है अगर दोनों में से किसी एक में है तो रिश्ते खराब होता है वहाँ पर, तो बेहतर ये रहेगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत होगा। कोई छोटी मोटी कहा सुनी बड़ा विवाद ना बन जाए इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलना होगा। देखिए आपको जो मिल रहा है अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। समय का यही आपके लिए एक मैं कहूँगा कि एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो आत्मविश्वास जताने के लिए नहीं होता, आत्मविश्वास सिर्फ अपने लिए होता है। आत्मविश्वास सिर्फ चले, बहुत बढ़िया दिन रहेगा आपके लिए। दूसरों की राय क्या है आपके बारे में इस बारे में ना सोचें। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको दूसरों को जो राय आपकी है, ज़रूरी नहीं कि आपकी राय सबसे मेल खाए, इसलिए ध्यान रखें कि अपनी राय को दूसरों के ऊपर थोपे ना। देखिए जो रिश्ते हैं वो अभी उतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर संभाल कर चलाने की आवश्यकता रहेगी। काफ़ी हद तक खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहेंगे आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से आपकी कुछ प्रमोशंस हो जाएं, तो मैं कहूँगा समय तो लगेगा लेकिन आपका काम पच जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों थोड़ा सा अधिक लचीला रुख यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो है अपनानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक जिद पर अड़े रहेंगे तो नुकसान आप ही को होगा। थोड़ा सा अपनी आई की तरफ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आई में जलन होने की दिक्कत हो सकती है।
आज का दिन थोड़ा सा यथार्थवादी बनने के लिए है। अपने पुरानी बातों को दफन करने का समय है। जो बातें हो चुकी उनको छोड़ दीजिए और नए शुरुआत करने के लिए दिन बहुत उत्तम है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और जो भी कार्य करें उसको बहुत ही ध्यान से करें। लव लाइफ आपकी अभी उतार चढ़ाव के तौर से गुजरेगी, और ये समय थोड़ा सा अभी आपका अगस्त तक चलेगा। अगस्त के बाद फिर थोड़ा बहुत आप रिलैक्स देख सकते हैं। मीन राशि, देखिए तेज बोलते हैं आप, कठोर बोलते हैं कभी कभी, लेकिन साफ दिल के हैं, इसलिए अपनी बात को मनवाना जानते हैं। लेकिन ये चीज़ कई बार विवाद को जन्म देती है, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल साफ तरीके से ना बोलें जो समझते नहीं आपको और आपके आपके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। समझाने का प्रयास करें, और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसको तर्क और प्रूफ के साथ, यानी कि फैक्ट के साथ उसे सर्व करें। जहाँ तक आपकी दिन की बात है, दिन थोड़ी बहुत लघु या कहूँ छोटी मोटी आपको समस्या जरूर देगा, लेकिन कुल मिलाकर शाम का जो समय होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। तो दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का कल हो सकता है, संभल कर चलिएगा। दिन थोड़ा सा कहूँगा एवरेज कंडीशन में है। तो दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा अवलोकन। 9481848508 मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर, कॉल मत कीजिएगा। और patnagarabhi24@gmail.com ये मेरी मेल आई डी है, आप इसमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट्स को जरूर देखिएगा, सभी वीडियोज़ आपको वेबसाइट्स पर भी मिल जाते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।